I want you, chill motherfucker. Tu jaise bitta hai chakkar, ye bhi to chakkar, sare ke chakkar, main ho bhi chakkar, ready chakkar, teri bakri wali sara awaz tu kam kar. Are tu jagiri kam kar, sabri dar ban kar, hatela awaz tu kam kar. Just this I do, wo sundar hai hak kar, tere jaise dikla mujhe dekh kar kar, tar ko chhod ja ra mix tu baat, wo nahi gaila kabhi ab le jaat par suna pehla kya bol re fir aake baat kar, chagre lagane ke kaam tu mat kar, no chick ki baat kar, sober mein baat kar, kaise ki baat kar, bade ko kyun bol raha chote, shayad tere kapad mein aa gaye le gote. तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इतनी महंगी मशीन है और ये इतना जल्दी प्रोडक्शन मोड में चली गई, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कैसे हुआ, मुझे नहीं पता। ऐसा कोई फॉल्ट भी नहीं था, नॉर्मल लोड चल रहा था, मैंने ज्यादा लोड भी नहीं डाला ऐसा कुछ भी। एवरीबॉडी सबके सब चोर है साले। फिर भी ये मशीन क्यों ऐसे हो गया कि ये प्रोटेक्शन मोड चली, जबकि रोम्स की है, काफ़ी अच्छी मशीन है ये, मैंने इसको भरोसे में लिया था। आइए हमारी जीपर, जीपर भी अब ये तो A1 है, इसका तो कोई बात ही नहीं है, ये तो हमेशा अपनी तगड़ी चीज़ है अपने असेटमेंट की। पर ये मुझे नहीं पता है क्यों ऐसा हुआ इसके साथ, जिससे मेरे चार टॉप चलते हैं, जो मैं चार टॉप अपने चलाता हूँ, बीस चलाता हूँ, पर पता नहीं क्यों एक चैनल में 1200 वाट का रूट डालता हूँ, 5400 वाट पूरा इसका वो है, ठीक है 5200 वाट ऐसा कुछ पीक पावर है इसकी, और जो एकदम 5400 वाट फिट मेरा बैठता है, 140 का एच है और 1200 वाट के दो स्पीकर पड़े रहते हैं एक टॉप में, और 140 का एच पड़ा हुआ है तो 1300-1350 वाट बनता है। और 1350 वाट एक चैनल में डालता हूँ, ठीक है 1350-1350-1350 आप जोड़ लीजिए, 5200 वाट 5300 वाट दी थी निकाल के। मैं इसे क्रॉस ओवर यूज करता हूँ, ये उसका है ऑडियो टोन का क्रॉस ओवर है, फिर भी इस मशीन क्रॉस ओवर लगा था, इस मशीन ने हमारे चारों एच उड़ा दिए और पूरी प्लेटें फूंक दी, मैं आपको प्लेट भी दिखाऊंगा पूरी। थैंक यू। और फिर भी हमारी काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई थी, जिसमें मिक्सर भी था, अरे दो अहूजा के माइक भी थे, और एएच एक लिए जा रहा था ताकि कटोरी फिट बैठे, और इतना सारा सामान मैं अपने साथ लेके जा रहा था। ठीक है गाइस अब आगे दिखाता हूँ, ये है अपनी दिल्ली की मार्केट ऐसी जो लोकल मार्केट है, और ये सेठ की दुकान है जो आप देखते हैं, सेठ की दुकान है जो लोकल है मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है सेठ का। और ये एडवांस आईडियो हम जा रहे हैं, ये गाइस एडवांस आईडियो की दुकान, इनके पास सारी चीज़ों का सर्टिफिकेट है, और इनके पास आप जाकर खुद देख सकते हो, मेरे बारे में कोई दुकान का प्रमोशन नहीं कर रहा, और ये मेरा एएच रखा हुआ है, और ये सब ऑडियो टोन का सामान बेचते हैं, ऑडियो टोन है, एरोन्स का है, हर एक चीज़ का बोलते हैं, अनलैप्स भी मिलेगा आपको, ये अनलैप्स है जो भी बहुत अच्छा सामान लिखते हैं, यहाँ जीपर भी है, हर एक चीज़ मिलेगा, बहुत बढ़िया है ठीक है। और ये मेरे मिक्सर भी ख़राब हो गया था, मिक्सर यहाँ बनवाने आया था, लोकल मार्केट से मिक्सर बनवाया मैंने, आ तो चुके हैं एरोन्स इंडिया में पर वो भी बंद है। शर्म करो भगवान से, डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो। शोरूम बंद है अभी इसका, ठीक है अब कल आएंगे टाइम से, कल नहीं आएंगे अब सीधे वही मशीन लेकर आएंगे। तो चलो गाइस हम जा रहे हैं अब घर, गाइस अभी तक जर्नी आई थी, अब हम थक गए, अब हम जा रहे हैं घर, और शोरूम अभी ऑफ है, तो यस कल मिलते हैं ठीक है, आते हैं ऑल ओवर। जैसे कि हमने ट्रेन में डोमिनोज ऑर्डर किया था, अब हम जा रहे हैं घर। चुट गई देखो पूरा, तो अभी नया लाया हूँ उसका, डायनाटेक का ही, तुमसे ना हो पाएगा, पहले मैं ऑडियो टोन का ही डाला था, तो ये हाल हुआ इसका, देखो भाई क्या हाल हुआ इसका, इसका भी देख लो, इसके ऊपर ड्राइव है, यूनिट टूट गई है, ये अलग उड़दा पुर्दा हो गया इसके साले जितने हैं। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो डायनाटेक का देखते हैं कि ये कैसा है, ठीक है डायनाटेक का ये प्लेट है, और इसमें ऑडियो टोन के वो पड़े हुए हैं देख सकते हो, जैसे देखो ब्रांडिंग भी ऑडियो टोन ये। चलो गाइस अब फिट कर लें डायनाटेक का, यहाँ असेंबल कर रहे हैं अभी। अबे साले ठीक है, और अपना एडी का वो स्पीकर जो 608 है सब लोग जानते ही होंगे, ये देखो लोग यहाँ इसे असेंबल कर दिए हैं, और अब जा रहे हैं इसे टेस्ट करने, क्योंकि हमारी कॉयल नहीं उड़ी है इसलिए एच को भी करने ही खोले हैं। चलो गाइस ये अपना ये पूरा एक यूनिट ख़राब है, ऐसे अब चारों ख़राब हो गई थी साउंड की, तो इसे अब चेंज किए हैं, ये देखो शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना, चेंज कर लिया टी लिंक से, मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करोगे कैसे किया जाता है। और ये हमने ये भी असाइनमेंट कर रहे हैं, और ये अपना ये सब फूक गया था, तो हमने डायना टच का डाल रखा है, डायना टोन का सॉरी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं और ऑडियो टोन का ही अपना वो ओरिजिनल डाल रखें, बाकी डायना टोन का वो डाल रखें। चलो अगली बार मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।
दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं दिल्ली जाओ सामान खरीदो ये वो है, मैं सच बोलता हूँ जितने भी रिव्यू करते हैं वहाँ दिल्ली में जितने भी यूट्यूबर सब अपने व्यू के लिए होता है, कोई भी उनको देख के कोई भी सामान मत खरीदो, मैं साफ साफ बोलता हूँ। ठीक है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे पास खुद का डीजे सेटअप है, मैं दिल्ली से ही लाया हूँ और अभी तक मेरा 2000 तो छोड़ो, 2000 खाली मेरा किराया हो चुका है वहाँ दिल्ली से यहाँ तक आने में, क्योंकि जल्दी सामान यहाँ मिलता नहीं। आप अगर लोअर एरिया के हैं, आप छोटे एरिया के हैं तो आपको जल्दी सामान मिलेगा नहीं, आप दिल्ली परेशान हो जाओगे, कहाँ ढूंढोगे, और वहाँ लूटते बहुत हैं भाई। ठीक है, तो गाइज़ ये चीज़ याद रखो, अगर आप अच्छा एक सेटअप लेना चाहते हो तो दिल्ली से अच्छा है कि आप कहीं पास अपने जहाँ पास मतलब आप जा सको वहाँ पास से आप लोग ये यूट्यूब का देख के वहाँ मत जाओ। ठीक है, देश भर का जो दिखाते हैं कि यहाँ आओ यहाँ अच्छा मिलेगा सस्ता मिलेगा, मिल तो जाएगा यार, जब ख़राब होगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं खुद लाया हूँ दिल्ली सेटअप, मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद वो करता हूँ। ठीक है, ठग जाते हैं भाई, अच्छे अच्छे लोग ठग जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग दावा करते हैं कि हमारे पास आइए नहीं ठगेंगे, हमारे पास आइए ये हो हमारे पास आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे ही वो करते हैं, वरना धंधा कौन करेगा यार, तुम ही धंधा करोगे ना तो तुम भी अपना ऐसे ही करोगे। ठीक है, सब ऐसे ही हैं, सब बोलने का है, वहाँ जाओगे ना तब पता चल जाएगा आपको क्या कैसे है। ठीक है, अचूतिया बना के माल थंभा देते हैं, बाद में पता चलता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखो गाइस। और मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो रियल है उसे आप संपर्क करो, जो बेचता हो माल कंपनी का एक्चुअली बेचता हो माल। ठीक है, और मेरे पास देखो मेरा कितना नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ पूरा, आप एक बार समझो इसके बाद जाओ। ठीक है, और जो सपोर्ट नहीं करता उसके लिए भी थैंक यू, जो नहीं सपोर्ट कर जो सपोर्ट कर रहा है उसके लिए लव यू गाइस। और ऐसे ही मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा, मेरा किसी से हेट नहीं है, किसी से मेरा का दुश्मन नहीं है, बस ये बोलता हूँ कि चूतिया मत बनाओ यार, बंदा पैसा कमाता है और बहुत मेहनत से कमाता है तो उसे वो फल मिलना चाहिए, और चूतिया मत काटो यार किसी का, अच्छे से बनाओ वीडियो, अच्छे से दिखाओ, जो सही है वो दिखाओ, ये चूतिया पन्ना दिखाओ सस्ते के चक्कर में, बंदे घुसेड़ देते हो, बाद में उसाला रोता रहता है और कोई मतलब नहीं है। तो गाइज़